जब जब भारत के इतिहास की बात होती है तब तब राजपूताना के वीरों के लड़े युद्ध और उनकी वीरता के चर्चे आम होते हैं। इतिहास को छूकर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए, उस हवा में घुली वीरता के महक से आपका सीना गौरवान्वित हो उठेगा। भले ही हम में से कई लोग अपने देश की माटी में सने अपने पूर्वजों के लहू की गंध ना ले पाए हों, किंतु इतिहास ने आज भी भारत माँ के उन सपूतों की वीर गाथाओं को अपने सीने में सहेज कर रखा है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही दो वीर गौरा बादल की वीरता और पराक्रम की सच्ची कथा बताने जा रहे हैं, जो हम सबके लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गौरव सनातनी वीरों का है, यह गौरव है हम संपूर्ण भारतवासियों का। नमस्कार दोस्तों, हम रितेश पांडे स्वागत करते हैं आप सबका अपने खोया भारत चैनल पर, जहां पर इतिहास के आपको उन पन्नों के बारे में बताया जाता है जो कि ना तो कभी किसी ने आपको पढ़ाया है और ना ही कहीं सुनाया है। गौरा और बादल ऐसे ही दो सूरवीरों के नाम है जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। गौरा और बादल दोनों चाचा भतीजे जालौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन सूरवीरों का नाम तक ना सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। मुहूर्त नैरसी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ रा परगनारी विगत में इन दो वीरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन इनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गौरा दुश्मनों के लिए काल के सम्मान था, वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि खिलजी की नजर मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में राजपूतों को नहीं हरा सकता था, तो उसने कटु नीति चाल चली। मित्रता का बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उनको बंदी बना लिया, और वहीं से संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आजाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी उसके पास भेजी जाएगी। इस तरह के धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे, लेकिन रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। रानी ने गौरा बादल से मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति बनाई। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि वे अपनी 700 दासियों के साथ सबसे पहले अपने पति के दर्शन करेंगी, उसके बाद खिलजी के सामने जाएंगी। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन के खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर लिया। उधर रानी ने अपने काका गौरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियारबंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छठे हुए वीर सैनिकों को कहारों के वेश में लगाया गया। उसकी डोली के साथ गौरा व बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से राजपूत वीर अपनी तलवार सहित निकलकर यवन सेना पर अचानक से टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्का बक्की रह गई और गौरा बादल की तत्परता से रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ की दुर्ग में पहुंचा दिया गया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने के लिए ठान ली। आखिर उसके 6 माह से ज्यादा चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री अभाव हो गया। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर जौहर और युद्ध करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गौमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गौमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर की चिता में प्रवेश किया।
जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया। महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंह की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गौरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की थी। उसकी वीरता का एक गीतकार ने इस तरह वर्णन किया, बादल 12 बरस रो लड़ियो लाखा साथ, सारी दुनिया देखियो वो खड़ा वह हाथ। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और छत विछत लाशें। रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा मर्यादा और अपने कुल गौरव की रक्षार्थ जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाहा हो गई, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी और गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। गौरा बादल की कहानी उदयपुर के एक लिंगजी मंदिर में एक दीवार पेंटिंग पर चित्रित की गई है। चित्तौड़गढ़ किले में पद्मिनी महल के दक्षिण में गौरा बादल महल के नाम से उनके नाम पर 2 गुंबद के आकार के मकान बनाए गए हैं। गौरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारा सीना चौड़ा हो जाए, उन्हें कोटि कोटि नमन करता है हमारा खोया भारत चैनल। इस इतिहास को जानने के बाद आपके मन में उठे विचार को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए इतिहास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।